आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्यूमर और उसके टाइप्स के बारे में आइए अब जानते हैं ट्यूमर का डेफिनेशन क्या होता है जो ट्यूमर वर्ड होता है वो रेफ़र करता है मास को और ट्यूमर जो रहता है वो क्लस्टर रहता है एब्रोनर मास ऑफ सेल्स का ट्यूमर एक जनरल टर्म होता है जो रेफ़र करता है बिनाइंग जिसका मतलब होता है लेस हार्मलेस और दूसरा होता है मेलीगेंट जो कैंसरस ग्रोथ सेल्स रहती हैं आइए जानते हैं ट्यूमर कितने टाइप्स के होते हैं पहला बिनाइंग ट्यूमर और दूसरा मेलीगन ट्यूमर अब हम जानेंगे बिनाइंग ट्यूमर के बारे में बिनाइंग ट्यूमर जनरली लोकलाइज्ड रहता है और शरीर के दूसरे पार्ट्स में नहीं फैल पाता है जो बिनाइंग ट्यूमर रहते हैं ये नॉन मेलीगेंट रहते हैं और नॉन कैंसरस ट्यूमरस रहते हैं बिनाइंग ट्यूमर आक्रमण नहीं कर पाता है अपने नियर बाय टिश्यूज़ के जो बिनाइंग ट्यूमर रहता है वो कंटेन नहीं करता है किसी भी प्रकार का कैंसरस सेल्स को जो बिनाइंग ट्यूमर रहते हैं वो रिटर्न नहीं हो पाते हैं अगर एक बार रिमूव हो जाए सर्जरी की मदद से बिनाइंग ट्यूमर जनरली स्मूथ होते हैं और रेगुलर शेप में होते हैं बिनाइंग ट्यूमर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते हैं बिनाइंग ट्यूमर को कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है फेबरॉइड्स और लिपोमास एग्जांपल होते हैं बिनाइंग ट्यूमर के आइए अब हम जानेंगे मैलिगन ट्यूमर्स के बारे में मैलिगन ट्यूमर ऑफन रेसिस्टेंट रहेंगे ट्रीटमेंट के या फिर स्प्रेड हो जाएंगे अदर पार्ट्स बॉडी के जो मेलिगेंट ट्यूमर रहते हैं वो कंटेन करते हैं कैंसर सेल्स को मेलीगन ट्यूमर्स आक्रमण कर देते हैं अपने नियर बाय टिश्यूज़ के ये जो मेलीगन ट्यूमर रहता है ये शेड करता है सेल्स को और ये ट्रेवल हो जाता है ब्लड के थ्रू अलग पार्ट्स में बॉडी के और जो बनाता है नए प्रकार के ट्यूमर्स को अगर हम मेलिगन ट्यूमर को एक बार सर्जरी के हेल्प से रिमूव कर दें तो वो दोबारा हो सकता है शरीर के अंदर जो मेलिगन ट्यूमर रहता है उसका अन शेप होता है मेलिगन ट्यूमर लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है जो मेलीगन ट्यूमर रहता है उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता ज़रूर होती है जाम सेल्स लंग कैंसर लीवर कैंसर ब्रिस्ट कैंसर ये एग्ज़ाम्पल होते हैं मेलीगन ट्यूमर्स के आइए हम जानते हैं ट्यूमर्स को कैसे डायग्नोस करते हैं ट्यूमर को हम डायग्नोस कर सकते हैं एक्सरे की मदद से अल्ट्रासाउंड की मदद से सीटी स्कैन की मदद से और एमआरआई की मदद से आइए अब जानते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है मेलीगेंट ट्यूमर्स का इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं सर्जरी की मदद से कीमोथेरेपी की मदद से बायोलॉजिकल थेरेपी के से टारगेटेड थेरेपी की वजह से प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल दी एम एल टी वर्ल्ड